कि कैसे जामवती का विवाह भगवान के साथ में हुआ। एक राजा था सत्राजित नाम का, जो रोज सूर्य उपासना करता था। कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। तांबे के लोटे में गुड़ गेहूं रोली डाल करके, मोली बांध करके, माथे से ऊपर लोटा करके जल देना चाहिए सूर्य भगवान को। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी होते हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दो, फिर पूजा करो। सात परिक्रमा लगाओ खड़े खड़े और अर्घ दीवे जल का तिलक करो अपनी पलकों के ऊपर। ये सूर्य चंद्रमा है, जो सूर्य भगवान को अर्घ देता है उस व्यक्ति की ख्याति भी बढ़ती है, उसके रोग भी खत्म होते हैं। और सूर्य भगवान साकेत लोक में उसके साक्षी भी भरते हैं, ऐसा शास्त्रों में निहित है। तो सूर्य भगवान एक दिन प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, राजा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। सत्राजित ने कहा, प्रभु जो आप देना चाहें। तो सूर्य भगवान ने एक मणि दे दी जिसका नाम था समंतक। उस मणि से 8 भार सोना रोज निकलता था। तो उस राजा ने, थोड़ी लोभी प्रवृत्ति का था, अपने राजकोष को भरना शुरू कर दिया। खबर पहुंची भगवान कृष्ण के पास, तो एक बार भगवान उसके नगर में पधारे और भोजन करने जब बैठे उसके महल में, तो भगवान ने कहा, सत्राजित, जो मणि तेरे पास है उस मणि से कुछ भला तो हो नहीं रहा। उस मणि से जो धन आता है, जो सोना मिलता है, उस सोने को तो जमा किए जा रहा है, अरे भैया कुछ खर्च भी कर ले। तो भगवान ने दी तो उसको अच्छी सलाह थी, लेकिन उसने भगवान की सलाह को उल्टा मान लिया कि लो ये हमें बांटने की बात कर रहे हैं, यहां भी जोड़ना पूरा हुआ नहीं और पहले लुटाने की बात कर रहे हैं। हम भी भगवान से कहते, प्रभु इतना दो, इतना दो, हम मंदिर भी बनवाएं, इतना दो धर्मशाला भी बनवाएं, इतना दो कथा भी करवाएं, इतना दो कुएं भी खुदवाएं, इतना दो हम स्कूल विद्यालय भी खुलवाएं, इतना दो कि हम जनमानस की सेवा करें। पर भगवान देते हैं पर हम करते नहीं है। तो भगवान ने उसको बहुत समझाया पर वो नहीं माना। भगवान भी समझा करके अपनी नगरी को आ गए। एक समय की बात है राजन, उस सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। ये प्रसेन रोज शिकार करने को जाता था। एक दिन की बात है, इस प्रसेन ने उस मणि को राजकोष से निकाला और सुंदर कपड़े में सजा करके गले में बांध लिया। उस मणि का प्रकाश बहुत दिव्यमान था। राजन, इस प्रसेन ने वन में जाकर के शिकार किया हिरण का, और हिरण को मार करके घोड़े पर लाद करके जा रहा था। इतने में एक सिंह ने उस चमकती हुई मणि को देखा, तो सिंह ने प्रहार करके उस प्रसेन को मार डाला और प्रसेन के गले में से मणि उतार ली और उतार करके चल पड़ा। हे राजन, फिर उस सिंह को एक भालू ने मार दिया और भालू ने वो मणि ले ली, और मणि लेकर के जो है भालू ने अपनी गुफा में अपनी बेटी को पकड़ा दिया। अब एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते। 3 दिन के बाद भी जब प्रसेन घर वापस नहीं आया तो सैनिक भेजे गए। सैनिकों ने जाकर के देखा कि वन में प्रसेन का शरीर जो है ध्वस्त पड़ा हुआ है, छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है, लगता है किसी ने हत्या कर दी है। सैनिकों ने आगे बताया, महाराज तुम्हारा भाई तो वहां मरा पड़ा है, उसके गले में मणि थी, वो मणि नहीं है। तो भगवान, तो सत्राजित ने जो है उसी वक्त भरी सभा में कह दिया, ये काम उस काले कृष्ण का है। एक दिन पहले, कुछ दिन पहले मुझसे मणि मांगने आया था, मैंने मणि नहीं दी, तो मेरे भाई को मार करके मणि चुरा ली, ये काम कृष्ण का है। तो जैसे ही ऐलान किया, जैसे ही भरी सभा में सत्राजित ने बोला, वो सारी प्रजा, वो सारे लोग भगवान को अपशब्द कहने लगे।
समाज ऐसा ही होता है। आपकी एक गलती का इंतजार है, लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। समाज एक तराजू की तरह है, कभी ये पलड़ा नीचे तो कभी ये नीचे, कभी ये ऊपर तो कभी ये ऊपर, कभी आपकी बड़ाई होगी कभी आपकी आलोचनाएं होंगी। और वो लोग पल्ले गांठ बांधने जिनकी हमेशा जीवन में तरक्की होती है, जो लोग अपने जीवन में अपने उच्चतम शिखर को छूते हैं, ऊंचाइयों को पाते हैं, तो वो लोग आलोचनाओं के शिकार होते ही हैं। ये सत्य है, प्रशंसा के साथ में आलोचना जुड़ी होती है, वो से अलग नहीं है। सुबह से शाम को अलग नहीं कर सकते, दिन से रात को अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार प्रशंसा से आप आलोचना को दूर, बोलो ना, नहीं कर सकते। तो भगवान को भी आलोचना का शिकार होना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान ने चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया था। अच्छा बताओ कौन से चौथ के चंद्रमा का? पीछे वालों, हाँ बताओ, हाँ हाँ, भादव मास के कौन से चतुर्थी का, पहले या बाद में? पहले, पहला कहने वाले कितने लोग हैं? सो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद किनाई। सो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ के चांद किनाई। सो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद किनाई कहा गया है। रामायण में विभीषण कहते हैं, भाई दूसरे की स्त्रियों का मुख ऐसे ही नहीं देखना चाहिए, पराई स्त्रियों का मुख ऐसे ही नहीं तकना चाहिए जैसे हम चौथ के चंद्रमा को नहीं तकते हैं। बोलो राधे राधे। क्यों? जिसने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया वो कलंकित होगा ही होगा, और जिसने दोज के चंद्रमा का दर्शन किया उसके जीवन में मंगल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो दोज का चंद्रमा है वो भगवान शंकर के मस्तिष्क पर है, दूज का चंद्रमा दर्शन करने के लिए है और चौथ का चंद्रमा त्यागने के लिए है। तो भगवान ने एक बार भूलवश चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था जिससे भगवान को कलंक लगा। अब भाई नामी को चिंता ये रहती नाम ना हो बदनाम, इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो ये चाहता है कि उसका नाम बदनाम हो? कोई है? अपना नाम आगे गिनाने के लिए फलाने फलाने, देखो जी मैंने ये काम किए, जन मैंने ये किए, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अपने नाम की प्रशंसा के लिए हम अपने जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के कार्यों को बताते रहते, जताते रहते हैं। तो बदनामी कोई नहीं चाहता, इसलिए भगवान भी बदनामी नहीं चाहते थे। तो भगवान ने कहा, भैया अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान उसी वन में पहुंचे जहां प्रसेन गया था। तो जहां प्रसेन मरा पड़ा था उस स्थान पर सिंह के कदमों के निशान थे। उन कदमों का पीछा करते करते भगवान आगे बढ़े तो देखा कि सिंह मरा पड़ा है, शेर मरा पड़ा है। शेर से आगे भालू के पद चिन्हों को देखा, भालू के पैरों का पीछा, निशानों का पीछा करते करते गुफा में पहुंच गए। और गुफा में जाकर देखा एक मादा भालू मणि को उछाल रही है और खुशी से झूम रही है, उछाल उछाल के खेल रही है और प्रसन्न हो रही है। हे राजन, तो भगवान ने झट उछल करके उस मणि को पकड़ लिया, और जैसे मणि को पकड़ा वो झपटी और भगवान से मणि को छीनने लगी। तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया तो चिल्लाई, चिल्लाते ही उसके पिता जामवंत जी बाहर आए और देखा कि कोई मनुष्य
मेरी पुत्री से झगड़ा कर रहा, कुछ छीन रहा है। तो जामवंत जी ने कहा सावधान, और सावधान कहते ही जामवंत जी युद्ध करने लगे। कहते हैं 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन की संध्या से पूर्व भगवान ने एक मुक्का मारा और जामवंत जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। देखो रामायण में और यहां भागवत जी में मुक्के का बड़ा प्रभाव है। रामायण में मुक्का मारते हनुमान जी किसको बताओ? हाँ बोलो ना, लंकनी को। जो लंकनी पहरेदार बन के खड़ी थी, जो कह रही थी कि चोर, तो हनुमान जी का चोर मैं थोड़ी, चोर तो तेरा राजा है जो हमारी माँ को चुरा के लाया है। कहती जो खा जाऊंगी, हनुमान जी ने कहा खा के दिखा। तो जैसे भगवान को हनुमान जी को खाने दौड़ी, हनुमान जी ने जो है मुक्का मारा, और जैसे मुक्का मारा, मुक्का लगते ही वो धरती पर गिरी और हाथ जोड़ के विनती करते हुए उठी। अब बताओ मुक्के से भी लोग सुधरते हैं? बोलो राधे राधे। और यहां दूसरा ये प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण ने जब मुक्का मारा तो मूर्छित हो गए जामवंत जी, और जब होश आया तो विनती करते हुए उठे, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोज न सावन। जय हो सच्चिदानंद प्रभु आपकी सदा ही जय हो। मैं जान गया आप कौन है, आप मेरे वो त्रेता के राम हैं। आप द्वापर में आप कृष्ण बनकर के आए हैं प्रभु, चरणों में साष्टांग लेट गए, आपकी जय हो सदा ही जय हो। भगवान ने अपनी सारी कहानी बताई। जामवंत जी ने कहा प्रभु सो तो ठीक है, पर आप जा रहे हो तो आप मेरी बेटी को साथ ले जाओ। भगवान बोले आपकी बेटी को मैं कैसे ले जाऊं? तो जामवंत जी बोले आपने हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ा तो लेके जाना पड़ेगा। आपका नियम है जिसका हाथ पकड़ते हो हाथ छोड़ते नहीं हो, और ये सत्य है भाई। मैं कहता हूं गुरुदेव और भगवान एक बार जिसका जीवन में हाथ पकड़ लेते हैं फिर कभी उसका हाथ छोड़ते नहीं है।